एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी आपके दोस्त आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आज हम करा रहे हैं अपने मंदिर के रूम में वाइट वॉश, तो चलते हैं। चलिए, मैं जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं अपने मंदिर के कमरे की पुताई। यहाँ मैं आई हूँ सारा सामान उठाने। सबसे पहले मंदिर के बर्तन वर्तन सब उठा के उनको धो के अच्छे से एक जगह रख देते हैं, फिर बाकी सामान यहाँ कमरे से निकालें। ये देखिए कितना सामान है, ये भी सब बाहर जाएगा और यहाँ होगी वाइट वॉश। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं। तो सफाई करते करते अचानक यहाँ पर एक छिपकली आ गई थी फोटो के पीछे, तो उसको देख के मैं एकदम से डर गई कि मैंने बोला अरे मेरे को लगा जैसे चूहा आ गया, तो मैं डर के एकदम खड़े हो गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सामान अच्छे से रखा कि कहीं दोबारा और ना आ जाए। तो यहाँ हमारे पड़ोस में एक भाभी थी, वो छिपकली को देखकर एक बार इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे डर गए। तो यहाँ मैं और मम्मी उन्हीं की बात कर रहे थे, तो हमें उनकी याद आ गई एकदम से छिपकली को देख के। तो यहाँ मैं और मम्मी मिलकर सामान शिफ्ट कर रहे थे, पापा मन को घुमा रहे थे, नहीं तो वो हमें काम नहीं करने देती। इसलिए मैं और मम्मी लगे थे यहाँ का सारा काम सामान बाहर निकाल दे रहे थे। और यही वो छिपकली है गाइस जिसने मुझे डराया था उस समय। हमारा कमरा पूरा तरह खाली और बाहर मम्मी ने कंबल वंबल जो बड़े कपड़े थे वो सब सुखाने डाल दिए, और यहाँ मैंने भी जो अटैची वटैची में कपड़े थे वो सब सुखाने डाल दिए हैं। तो बस सारा दिन ऐसे इसी काम में लगे रहे हम। फिर थोड़ी देर उसके बाद मनु आ गई और यहाँ देखे मैं उसको हल्का सामान दे रही और वो रख के आ रही है और यहाँ मेरे पीछे पीछे मेरी हेल्प करा रही थी। और जो काम मुझे करना है वो इसे भी करना है। और यहाँ हम दोनों बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे, कभी रील्स बना रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो यहाँ देखे हमारी मस्तियाँ। आई सी यू, वेयर इज मनु? मनु आई कहाँ है? मनु छुप गया? मनु कहाँ? अरे यार मेरा मनु कहाँ है, कोई ढूंढ दो, मम्मा रो रही है। अच्छा और धूप बहुत तेज हो रही है, तो हम दोनों कहाँ बैठे हैं मनु? छाया में। और क्या देख रहे हैं कि कोई बंदर ना आए, हमारे कपड़े वपड़े सब ना ले जाए, कुछ भी सामान। यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो कुछ भी सामान उठा के ले आते हैं, तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, पैरवी सामान की है ना। देखो क्या देखो, क्या तो गर्मी लग रही, धूप लग रही, मेरे बच्चे को पसीना आ गया। क्या गया? कितना पसीना आ गया देखो उसको, और मम्मा की गोदी में कैसे लार साहब बैठ गया। खाओ एप्पल। एप्पल खाने से मनु क्या होता है? और मनु क्या बन गया? स्टांग। और किसको मार दो जाएगा? भूत को भगा देना। भूत होता है कैसे आते है? भूत छत्ते में लो। और ताड़का कैसे करती है? कैसे करती है मनु ताड़का? हंसती कैसे? जय श्री भवानी। अब बताओ ताड़का कैसे हंसती है, कैसे करती है मनु ताड़का, बताओ ना। आज ही खाऊंगा। आज ही खाओगे? खाओगे। मम्मा को तो कोई खिलाता भी नहीं, मम्मा से कोई प्यार नहीं करता। हेलो, थैंक यू। यार अच्छा लगता है? आप दे जाना मैं तो। तो सब काम होने के बाद यहाँ मम्मी पेड़ों की छटाई कर रही थी, और जो बेकार पेड़ थे वो यहाँ से निकाल दे रही थी और सब पेड़ों की छटाई कर दे रही थी ऊपर ऊपर से। और यहाँ देखिए पेड़ों में कैसे जड़ बन गए, तो मम्मी यहाँ उनकी मिट्टी निकाल रही है और फिर इनको छान दे रही थी। तो यहाँ देखिए मम्मी ने कैसे छटाई कर दी है, और ये देखिए मम्मी ने सब पेड़ों की छटाई कर दी है, सब पेड़ों को और अलग अलग कमरों में लगा दिया सही करके। और मन्नू के काम देखो, यहाँ उल्टे काम। और देखिए अपना बचपन का वॉकर, इसको इसमें चलना इतना पसंद है, तो ये उसी को लेके मम्मी इसमें चलाओ, उसी में चलना है इसको, तो यहाँ वो कर देती है, घूम रही थी वॉकर में।
तो इसके बाद मैं और मम्मी आ गए थे मार्केट, पेंट वेंट जो सब अंकल ने बोला था लाने के लिए वो सब लेने। तो यहाँ अंकल ने हमें बुकलेट दी थी कि कलर पसंद कर लो आप लोग जो आपको करवाना है। तो हमें डार्क कलर ही करवाना था, तो मुझे दो कलर पसंद आए थे। यहाँ मम्मी से मैं पूछी थी मम्मी कौन सा करो, तो मम्मी ने कहा था कि अपनी पसंद का करवा लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ भैया को बता दिया था। और यहाँ हमारा सामान हो गया है पैक और अब हम चलते हैं घर को। और घर आके मैंने मम्मी को यहाँ मन्नू ने लिया है नहा। मन्नू मजा आया नहाने नहीं करके? हाँ तो जल्दी से मैं इसको रेडी कर दी, ठंडा लग रहा है। ओके गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, बोलती मिलती हूँ थोड़ी देर में, बोल दो। थोड़ी देर मिलती हूँ। कपड़े पहन लूँ? कपड़े पहनो। फिर बात करूँगी। बात करूँगी। शेप 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 शेप। तो यहाँ पुताई वाले अंकल जी आ गए हैं और अभी कलर मिक्स कर रहे हैं, कलर बना रहे हैं। तो देखें यहाँ कलर बन गया है और अब रेडी हैं वो कलर करने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने ये वाला कलर कराया है, मुझे वाला कलर अच्छा लगा था। ये तो अभी सिंगल कोट हुआ है तभी ऐसा हो रहा है, डबल कोट होगा तो अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा आपको कैसा लगा ये कलर, बताओ तो कैसा लग रहा है। मैं आपको बता देती हूं इसको कैसा लगा, कैसा लग रहा है बताना। अच्छा। कैसा? अच्छा। कितना अच्छा? अच्छा अच्छा लगा। यहाँ नीचे सारा काम कर दिया था, सब्जी बना दी थी और आटा गूंद दिया था। मम्मी ऊपर लगी थी पुताई वाले अंकल के साथ और यहाँ मैं नीचे लग गई थी सब्जी सब्जी आटा वटा गूंद के खाना बनाने में। तो यहाँ मैंने रोटी बना दी है और उसके बाद पुताई पूरी डन हो गई थी। फिर रात को हम सोने आ गए। सो आज का दिन था थकान भरा और वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूले मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं सोने, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।